Incessant rains have led to severe waterlogging in several parts of Mumbai. Several roads have been closed and traffic has been diverted on various routes following the waterlogging situation in the city. Struggles for Mumbai are set to escalate further now as the Indian Meteorological Department has issued a yellow alert and predicted heavy rainfall over the city for the next 2 days. Meanwhile, Mumbai police has advised that citizens should avoid going to the coastal areas and move out of their houses only if necessary. My colleague filed a ground report from the roads of Mumbai on the situation. पूरे महाराष्ट्र में लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार मौसम विभाग के तरफ से आने वाले दिनों के लिए भी भारी बारिश की अलर्ट जो है वो जारी की गई है। इसके साथ ही जहां महाराष्ट्र के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ग्रस्त और बाढ़ से पीड़ित कुछ इलाके जैसे संभाजी नगर, औरंगाबाद, नागपुर जैसे इलाकों में लगातार जल जमाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुंबई में भी इस वक्त जो है काफ़ी जगहों पर पानी भरा है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के किंग सर्कल इलाके में और यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लबालब पानी जो है पूरी सड़कों पर भरी हुई है, जिसके कारण गाड़ियों को जो है आवाजाही में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं, जो आम लोगों जो जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, दो पहिया वाहन हो गए, चार पहिया वाहन हो गए, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हो गई, इन सब गाड़ियों को लगातार इन सड़कों से गुजरने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक, भारी ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी हो गई। आपको बता दें मुंबई ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाली अंधेरी सबवे जो है वो बंद करनी पड़ी है यहाँ पर जल जमाव के कारण, जिसके बाद हिंद माता जो इलाका है मुंबई का वहाँ पर भी काफ़ी लबालब पानी जो है सड़कों पर देखा जा रहा है। और साथ ही ये किंग सर्कल का इलाका भी जो है यहाँ लगभग पूरा पानी में जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सड़कों पर आप देख सकते हैं लोगों के घुटनों तक गाड़ी की जो टायर है, यहाँ पर गाड़ी को जो वाहन की जो वो है वो यहाँ पर लगातार पानियों में डूबती नजर आ रही है। बस जो है वो इस पानी में जो है फंसती नजर आ रही है। साथ ही जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन लोग को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, इतनी बारिश हो रही है जिसके कारण काफी जल जमाव भी है, आप लोगों को कितना दिक्कत हो रहा है? हाँ, तो आना जाना, काम पे जाना, पानी भरना बहुत दिक्कत है और हर साल होता है सर ये बहुत। इसको लेके सरकार से क्या कुछ शिकायत है, क्योंकि सरकार ने काफी पहले ही इसको लेके जो है काम शुरू कर दिया था, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें? अभी सरकार ने तो बहुत सारे मोटर लगाया है, ज्यादा बारिश होता है तो इतना थोड़ा भर जाता है इसके लिए। और आप काम पे जा रहे थे अभी? हाँ, काम पे जा रहा हूँ डब्बा लेके, ऐसे ही इसी पानी में। हाँ, क्या करेगा साहब, हमारा प्राइवेट नौकरी है, नहीं जाएगा तो हमारा जाएगा तो पैसा मिलता है, नहीं है तो पगार कटेगा ही। तो यहाँ पर मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा आपको कि ये बस स्टैंड है और ये सड़क है और घुटनों तक जो है यहाँ पर लबालब पानी जो है भरा हुआ है और पानी निकासी के लिए जो रास्ते हैं पानी निकलने के लिए वो जो है जाम दिख रहे हैं यहाँ पर, जिसके तहत पानी जो है वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा है और उसी के चलते जो है काफ़ी भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो है यहाँ तक पानी जो है लबालब भरा हुआ है, जिसके चलते आवाजाही में दिक्कत हो रही है लोगों को। और इसी मूसलाधार बारिश के चलते नागपुर के कॉलेज और स्कूलों में कल यानी शनिवार को छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। बीएमसी की तरफ से भी बीते हफ्ते जो है स्कूल कॉलेजों को छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी गई थी। लगातार जो डिग्री कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनके जो है एग्जाम होने वाले थे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, वो जो है रिस्केड्यूल किए गए। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह अलग अलग तरीके की समस्या जो है वो देखने के लिए मिल रही है। ये रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। और बात लोकल ट्रेन की करें, मुंबई की लाइफलाइन की करें, तो वो भी लगातार जो है इस बारिश के चलते ग्रसित हुई है। काफ़ी जगहों पर जो है लोकल ट्रेन का रूट चेंज करना पड़ा है, काफ़ी लोकल ट्रेन जो है काफ़ी देरी से चल रही है, जिसके कारण भी आम लोगों को काम पे जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बस पकड़ने के लिए भी यहाँ पर लोगों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, भारी पानी में घुटने तक जो है ये पानी भरा हुआ है और इसके ही चलते काफ़ी कुछ समस्या जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज़। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.